हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशु ड्रोलिया और आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर स्कॉच आइसक्रीम, जो कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट थी। और मैं साथ ही साथ बताऊंगी कि होममेड बटर स्कॉच क्रंची कैसे बनाएं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए बटर स्कॉच आइसक्रीम कैसे बनाएं इसे देखते हैं। बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिल्क को बॉयल करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप मिल्क, और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि 3/4 कप ना हो जाए। तो इसे हम कंटिन्यूस चलाते हुए पकाते रहेंगे, और ध्यान रहे कि जो दूध है वो फुल फैट मिल्क होना चाहिए, इससे आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनेगी। जब तक मिल्क हमारा बॉयल हो रहा है, तब तक इधर हम 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को भी दूध के संग घोल लेते हैं। तो 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, और इसे हम थोड़े से दूध डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। और अब इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो मिल्क को मैंने 3/4 कप होने तक पका लिया है, और अब इसे हम और नहीं पकाएंगे। और इसमें अब हम डालेंगे घुला हुआ कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को दूध के साथ डालने से पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसमें हम डालते हैं कॉर्नफ्लावर, और इसे हम 1 से 2 मिनट तक और पका लेते हैं। कंटिन्यूस चलाते रहेंगे जिससे कि दूध में लम्स ना पड़े। आप देख रहे हैं मिल्क पूरी तरीके से गाढ़ा हो गया है, और अब इसे हम और नहीं पकाएंगे। मैंने 1 मिनट तक बस इसे पकाया है, और ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, तो हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और मिल्क को हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक दूध ठंडा हो रहा है, तब तक इधर हम क्रीम को भी बीट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम, और इसे हम स्टिफ पीक्स आने तक बीट कर लेते हैं। क्रीम को अच्छे से कैसे बीट करना है, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे दी गई है, आप देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो क्रीम को मैंने स्टिफ पीक्स आने तक बीट कर लिया है, और ये हमारा जो कॉर्नफ्लावर वाला दूध है, जो थिक दूध है, वो भी पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। तो इसमें हम डालते हैं कंडेंस मिल्क। मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम्स कंडेंस मिल्क, और फिर इसमें हम डालते हैं बटर स्कॉच एसेंस, क्योंकि हम यहाँ पे बटर स्कॉच आइसक्रीम बना रहे हैं, और बटर स्कॉच एसेंस आपको मार्केट में इजीली मिलेगा। हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून डालेंगे, और बटर स्कॉच आइसक्रीम येलो कलर की होती है, तो मैंने यहाँ पर लिया है लेमन येलो कलर, जेल कलर लिया है, आप लिक्विड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। और सभी को एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने सभी को मिक्स कर लिया है, और अब इसे हम डालते हैं व्हिप किए हुए क्रीम में, और इसे हम बिल्कुल जेंटली अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो क्रीम और दूध को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और एक बार हम बीटर चला लेते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। बीट करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं 1/4 कप बटर स्कॉच क्रंची। ये आपको मार्केट में इजीली मिलेगा, और ये बहुत ही क्रंची होता है। इसे हम डाल देते हैं, और एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बटर स्कॉच क्रंची को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हमें आइसक्रीम को फ्रीज करना है, तो हम इसे डालते हैं एयरटाइट कंटेनर में, और अब इसे हम अच्छे से टैप कर लेते हैं। टैप करने के बाद हम इसे क्लिंग रैप कर देते हैं, तो हम बिल्कुल नीचे तक इसे लेवल में क्लिंग रैप कर देंगे, जिससे कि आइस क्रिस्टल्स नहीं जमने पाएंगे, और आइसक्रीम बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी निकलेगी। और अब इसे हम ऊपर से भी क्लिंग रैप कर देते हैं, मॉइस्चर बिल्कुल भी ना जा पाए, और ये पूरी तरीके से एयर टाइट रहे। और अब हम ढक्कन को बंद करते हैं, और इसे हम फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे या पूरी रात सेट होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले बताया कि आपको मैं बटर स्कॉच क्रंची घर में कैसे बनाएं ये भी बताऊंगी, तो इसके लिए पैन में हम डालते हैं 4 टेबल स्पून शुगर, और इसे हम हाई हीट पर रख कर मेल्ट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं शुगर कंटिन्यूस चलाते हुए मेल्ट हो गया है, और इसे हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लेते हैं। तो चीनी का जो कलर है वो थोड़ा कैरमलाइज हो गया है, चेंज हो गया है, तो इसमें हम डालते हैं ब्रोकन नट्स। मैंने यहाँ पे कैश्यू लिया है,
और एक टेबलस्पून घी, और दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस प्रलाइन को हम डालते हैं ग्रीस सरफेस पे, और इसे हम ग्रीस सरफेस पे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और ये शुगर जो है पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, और इसे अब हम ग्रीस सरफेस से उठा लेते हैं। आप देख रहे हैं इजीली ये निकल गया है। और अगर आपको काजू लग रहा है थोड़े ब्राउन हो गए हैं तो इन्हें आप कम ब्राउन भी कर सकते हैं। और अब इन्हें हम तोड़ लेते हैं और इसे हम क्रश कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा क्रश कर लिया है और ये बटर स्कॉच क्रंची बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए मैंने बटर स्कॉच क्रंची बना लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास बटर स्कॉच क्रंची नहीं है तो आप घर में ऐसे बनाकर बटर स्कॉच आइसक्रीम के साथ यूज़ कर सकते हैं। बटर स्कॉच आइसक्रीम सेट हो गई है। इसे मैंने पूरी रात फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था, और अब इसे हम खोल लेते हैं आइसक्रीम को। अब हम स्कूप से बाहर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, बटर स्कॉच आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब इसके ऊपर हम डालते हैं थोड़े से कैरमल सॉस, इससे टेस्ट और भी अच्छा लगता है। कैरमल सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पे दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस पर क्लिक करके होममेड कैरमल सॉस कैसे बनाएं इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बटर स्कॉच आइसक्रीम बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप चिल सर्व कीजिए। और अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।